यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां लोगों की रात्रि को नींद के साथ ही एक अजीब डर भी था। गांव का नाम था भूतपुरी। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और रात के समय उसमें गूंथा हुआ एक अजीब माहौल बन जाता था। गांव के पास एक पुराने हवेली की बात चलती थी जो कहा जाता था कि वह भूतों का आवास है। कहानी के प्रमुख पात्र अर्जुन गांव में एक युवक था जो उस हवेली के बारे में अनवांछित किस्सों को सुनकर रोज रात्रि को उसकी ओर देखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे मिलकर उस हवेली में घुसने का निर्णय लिया। सब लोग साहस और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह प्रयास उन्हें किस बड़े राज से गुजरने वाला है। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और उन्होंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। एक अजीब सी ठंडक और अंधकार ने उन्हें लिपट लिया। सभी लोग बहुत ही संवेदनशील थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ अजीब सा लग रहा था। हवेली के अंदर घूमते समय वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक विशालकाय आईना था। आईने में एक बूंद लाल रंग की लालिमा दिखाई दी जो लोगों को हैरान कर देने वाली थी। एक औरत वहां अपने बालों में खुद को सजा रही थी और वह बहुत ही हैरत में थी। उसने उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग कैसे यहां आ गए? यहां तुम्हें होना नहीं चाहिए। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यह कैसी जगह है और हम क्यों नहीं हो सकते यहां? औरत ने हंसते हुए कहा, यह एक अद्भुत जगह है, लेकिन तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। यहां भूतों का आवाज है और तुम्हें इस स्थान का अभ्यास नहीं है। सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने उस औरत से यह सवाल किया, तुम कौन हो और हमें यहां लेकर क्यों आई हो? औरत ने बताया कि वह एक समय की यात्रिनी थी जो इस हवेली में रह रही थी। वह एक साधु की आशीर्वाद से यहां फंस गई थी और अब उसकी मुक्ति का समय आ गया था। उसने उन्हें बताया कि उन्हें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए जब तक रात्रि का समय नहीं आया। औरत के वचनों ने उन्हें दहला दिया और उन्होंने जल्दी से हवेली छोड़ने का निर्णय किया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रात का समय शुरू हो गया है और हवेली का माहौल भी बदल गया है। एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और एक अंधकार में कुछ अदृश्य चीजें उनकी ओर बढ़ रही थीं। वे भागते हुए अपने गांव की ओर बढ़े और एक अचानक आकाश में बिजली चमकी। गांव में वापस आकर उन्होंने यह कहा, हमें यह समझना चाहिए कि जो हम देखते हैं वह हमारी दृष्टि के अनुसार हो सकता है, लेकिन असल में कुछ और हो भी सकता है। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को सींग लगाकर जीना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन की बातों को सुनकर अचानक समझ जाना कि भूतपुरी की हवेली में कुछ अजीब बातें हो रही थीं, लेकिन उन्होंने यह सीखा कि असलियत कभी कभी भी अपना रूप बदल सकता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इस घटना के बाद से गांव वाले रात के समय भूतपुरी की ओर मुख करते, लेकिन हर बार वहां कोई ना कोई अजीब चीज होती थी जो उन्हें चौंका देती थी। इसके बावजूद अर्जुन का अनुभव गांव वालों को सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस दिलाया और वह बदलते वक्त का सामना करने के लिए तैयार थे।